इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गठबंधन की सरकार चलाने जा रहे हैं। क्या साथ लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा या सरकार स्मूथ जैसे चलती आई है वैसे चलेगी 5 साल? खैर, अब देखना यह है कि सहयोगी दलों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे तालमेल बिठाते हैं और बड़े फैसले, जो वादे और दावे जनता से किए हैं, वो धरातल पर उस कसौटी पर खरा उतर पाते हैं। भारत एट 9 में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ काजोल नारायण। रविवार का दिन देश के लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का मैच था जो कि भारत ने जीता है। लेकिन तीसरी जो दुखद खबर आई है उसने हर किसी को हैरान कर दिया। देश भर में तमाम तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं, वो ये कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकियों ने हमला किया है और जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है, इसका बदला देश मांग रहा है। तो शुरुआत कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण से। नई सरकार, चेहरे कुछ कुछ वही हैं, लेकिन काम भी नया होगा, जोश भी नया है, क्योंकि इस बार पूर्ण बहुमत में बीजेपी नहीं है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गठबंधन की सरकार चलाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 72 सदस्य वाली मंत्रिपरिषद में 30 कैबिनेट मंत्री है, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है और 36 राज्य मंत्री शामिल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अब अकेले अपने दम पर बहुमत नहीं है। गठबंधन सरकार में तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना शिंदे गुट, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जनता दल सेक्युलर, राष्ट्रीय लोक दल, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा यानी कि हम, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को कुल मिलाकर 11 मंत्री भी हैं। तो ऐसे में आपको सबको साथ लेकर चलना है। अब सवाल यह है कि क्या साथ लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा या सरकार स्मूथ जैसे चलती आई है वैसे चलेगी 5 साल? खैर, वो तो जब 5 साल काम होगा, क्योंकि आज पहली कैबिनेट की बैठक हुई है और कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं। देखिए, पिछली सरकार के 3 चर्चित चेहरे जिनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है, आप देखेंगे एक्सपर्ट, तो स्मृति ईरानी को सबसे ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। स्मृति ईरानी हो गई, अनुराग ठाकुर हो गए, राजीव चंद्रशेखर हो गए, इस बार सरकार से वो बाहर हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी को कैबिनेट में शामिल किया गया है। क्योंकि देखिए, अभी हरियाणा में तो विधानसभा चुनाव होने हैं और जिस तरह से अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे विधानसभा के और शिवराज सिंह चौहान को जब मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था तो वहाँ की जनता ने काफ़ी ज़्यादा आक्रोश भी जताया था कि उन्हें तो मामा ही चाहिए, इस वजह से उन्हें जगह दी गई है, तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी को भी कैबिनेट में शामिल कर लिया गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, नितिन गडकरी और पीयूष गोयल उन 19 मंत्रियों में शामिल है जिन्हें मोदी की तीसरी सरकार में भी जगह मिली है। इस बार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी लोकसभा सीट जीतने के बाद मंत्री बनाया गया है। ये सभी राज्यसभा के सदस्य थे। तो कुल 33 मंत्री ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं, जबकि देश के 6 राजनीतिक परिवारों को भी मंत्रिपरिषद में जगह मिली है। पहली बार मंत्री बने 7 राजनेता बीजेपी की गठबंधन सहयोगी पार्टियों से। मंत्री बने जयंत चौधरी, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते हैं और किसानों में एक अच्छा खासा, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा, हरियाणा में भी कहीं ना कहीं दम भरते हुए नजर आते हैं, अच्छा खासा उनका एक कोर वोट है। चिराग पासवान बिहार के सबसे बड़े नेताओं में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि बिहार के सबसे बड़े नेताओं में शामिल दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे भी हैं और 5 सीटें दी गई थी, 5 के 5 उन्होंने झोली मिलाकर डाल दी है गठबंधन के, तो चिराग पासवान को अलग ही उनकी फैल फॉलोइंग है। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे और जदयू के सांसद रामनाथ ठाकुर को भी मंत्री बनाया गया है। कांग्रेस से बीजेपी में आए और अपनी सीट हारने वाले नवरीत सिंह बिट्टू पंजाब में खालिस्तानियों के हाथों मारे गए पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं। वहीं महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से की बहू रक्षा खड़से को भी सरकार में जगह दी गई है। 2021 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए जितिन प्रसाद को भी मंत्री बनाया गया है। जितिन प्रसाद मनमोहन सरकार में भी मंत्री रहे हैं। जितिन प्रसाद कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद
जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं। वहीं केरल में पहली बार बीजेपी के लिए लोकसभा सीट जीतने वाले अभिनेता सुरेश गोपी को भी मंत्री बनाया गया है, यानी कि जितनी जिसकी भूमिका है उसको उतना ही मिला है, किसी को न ज्यादा न कम। जितना आपने भूमिका निभाई, जितना आपने जीत दिलवाई, उतना ही आपको जिम्मेदारी मिली है। अब नई सरकार में 27 मंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग, 10 मंत्री अनुसूचित जातियां, 5 अनुसूचित जनजातियां और 5 अल्पसंख्यक समूह से हैं। जाति जाति पर फोकस किया गया है। हालांकि भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह यानी कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सरकार में नहीं है। नई सरकार में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। शपथ समारोह में 7 देशों के नेताओं के अलावा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, फिल्म उद्योग जगत समेत अलग अलग क्षेत्रों की कई हस्तियां मौजूद रही थी। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी समारोह में मौजूद रहे थे। गठबंधन सहयोगी टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, एनसीपी नेता अजीत पवार, जनसेना पार्टी के नेता पवन कल्याण भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल रहे। केंद्र सरकार के मंत्रियों में अभी सिर्फ शपथ ली है, उन्हें पोर्टफोलियो नहीं दिए गए हैं। कितना समय लगेगा इसका इंतजार हमें करना होगा। हो सकता है कि बहुत जल्द बड़ा फैसला ले लिया जाए। आमतौर पर शपथ ग्रहण के 48 घंटे के भीतर विभाग बांट दिए जाते हैं। इस बार बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है और वो सरकार चलाने के लिए गठबंधन सहयोगियों पर निर्भर है। ऐसा माना जाता है कि गठबंधन सहयोगी अपनी पसंद के विभाग लेने के लिए बीजेपी पर दबाव भी बना सकते हैं। राजनीतिक विशेषक मान रहे हैं कि सबसे अहम यही है कि सरकार में किस पार्टी को क्या विभाग मिल सकता है। कुछ ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, कुछ ऐसे वरिष्ठ राजनीतिक विशेषक हैं जो कहते हैं कि अधिकतर गठबंधन सहयोगी यही देख रहे हैं कि हमें क्या मिलेगा। चूंकि ये सरकार गठबंधन सहयोगियों पर निर्भर है, उनकी मदद के बिना सरकार गिर जाएगी। अब ऐसे में बीजेपी में मंथन इस बात पर हो रहा होगा कि इस पार्टी को क्या विभाग दिया जाए। हालांकि ये माना जा रहा है कि गृह, रक्षा, वित्त और विदेश जैसे अहम मंत्रालय भाजपा अपने पास ही रखेगी और ये जिसका सबसे ज्यादा सीटें होती है वही रखती है पास ही से। सरकार में प्रधानमंत्री समेत कुल 72 मंत्री होंगे। ऐसे में बहुत संभावना है कि अगले 2 से 3 साल तक मंत्रिपरिषद में विस्तार शायद ना हो पाए। कुछ और पत्रकार कहते हैं अभी शपथ ग्रहण ही हुआ है, मंत्री पद नहीं बचे हैं। बीजेपी के सामने अपने गठबंधन सहयोगियों को संतुष्ट करने की चुनौती है और प्रधानमंत्री सुबह से ही आज काम पर लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री सत्ता का केंद्रीकरण करके सरकार चलाने की आदी है। गठबंधन सहयोगियों को वह कैसे साधेंगे यह भी देखना बाकी है। किस पार्टी को क्या विभाग मिलता है यह तय करेगा कि सरकार कितनी सहजता से चल पाएगी। भारत को सभी भाजपा को सभी सहयोगी दलों को संतुष्ट करना होगा। अब ऐसे में अभी विभागों के बंटवारों में समय भी लग सकता है। महाराष्ट्र से एनसीपी अजीत पवार गुट एनडीए का हिस्सा है, लेकिन एनसीपी के किस मंत्री ने शपथ नहीं ली है। प्रफुल्ल पटेल यूपीए सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उन्होंने शपथ नहीं ली। एनसीपी को मंत्री पद का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन शायद एनसीपी राज्य मंत्री के पद पर सहमत नहीं हुए। बीजेपी एनसीपी को कैबिनेट में जगह देगी इसकी भी संभावना कम ही है। अगर एनसीपी और बीजेपी के बीच तनातनी हुई तो आगे चलकर महाराष्ट्र की राजनीति पर इसका असर पड़ सकता है। हरियाणा में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अलावा राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर को भी मंत्री बनाया गया है। 10 लोकसभा सीट वाले इस राज्य में बीजेपी ने इस बार 5 सीटें गंवाई हैं। वरिष्ठ पत्रकार और कई राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए मंत्रिपरिषद में हरियाणा को तवज्जो दी गई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इस बार लोकसभा चुनाव में निराशा हाथ लगी। यूपी से राजनाथ सिंह, जितिन प्रसाद जैसे पुराने नेताओं के अलावा नए चेहरों को भी जगह दी गई है। यूपी से अनुप्रिया पटेल, कीर्तिवर्धन सिंह, कमलेश पासवान, बीएल वर्मा, पंकज चौधरी, हरदीप सिंह पुरी, एसपी बघेल समेत कुल 10 मंत्री बनाए गए हैं। वहीं केरल, जहां बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली है, वहां से 3 मंत्री बनाए गए हैं। राजस्थान, जहां बीजेपी ने 14 सीटें जीती, वहां से भी गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, भूपेंद्र यादव को मंत्री बनाया गया, यानी कुल 3 मंत्री राजस्थान में। ये देखिए आप समझ रहे हैं कैसे कैसे मंत्री बनाया गया है। केरल में जहां सिर्फ 1 सीट जीती है, वहां पर 3 मंत्री बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये तैयारी अभी से है, चुनाव के रिजल्ट आने से पहले तैयारी कर ली गई थी। अगर यहां से इतनी सीटें आती है, वहां से इतनी सीट आती है, तो हम इतने मंत्री यहां से देंगे। आप समझिए इस बात को। केरल, क्योंकि केरल में बहुमत हमेशा से ही कांग्रेस का रहा है और विपक्षी दलों का रहा है, तो ऐसे में भाजपा वहां पर और ज्यादा मेहनत करना चाहती है कि 1 सीट निकल गई, हम मेहनत करेंगे, शायद और सीटें हमारी अगली बार निकल जाएगी। या विधानसभा चुनाव जब होते हैं केरल में तो उससे भी फायदा हो। ये पूरा गुणा गणित बिठाया गया है। मध्य प्रदेश, जहां बीजेपी ने सभी 29 सीटें जीती है, वहां से कुल 4 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा सावित्री ठाकुर और वीरेंद्र वर्मा शामिल हैं। बिहार में बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार चला रही है। 44 सीटें वाले बिहार से कुल 8 मंत्री हैं। वहीं महाराष्ट्र, जहां इसी साल चुनाव होने हैं और जहां एनडीए को भारी नुकसान हुआ है,
वहां से कुल 5 मंत्री हैं। रामदास ठावले को भी मंत्रिपरिषद में जगह दी गई है। तमिलनाडु, जहां बीजेपी ने एक भी सीट नहीं जीती, वहां से कुल 3 मंत्री बनाए गए हैं। देखिए कैसी तैयारी है। वही कर्नाटक सरकार में कुल 5 मंत्री हैं, आंध्र प्रदेश से 3 मंत्री हैं, जिनमें टीडीपी के मंत्री भी शामिल हैं। हमेशा से ही ये कहा जाता रहा है, हालांकि ऐसी कोई सच्चाई नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये कहा जाता रहा है कि साउथ को कहीं ना कहीं उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, सौतेलापन होता है, वहां से मंत्री जो है कैबिनेट में जगह नहीं मिलती या स्वतंत्र प्रभार में जगह नहीं मिलती या राज्य मंत्री के तौर पर जगह नहीं मिलती, लेकिन इस बार भर भर के मंत्री जो है वो साउथ साइड से बनाए गए हैं। तेलंगाना से कुल 2 मंत्री हैं, यानी दक्षिण से कुल 14 मंत्री सरकार में। आप समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी की नई सरकार गठबंधन सहयोगियों पर टिकी है, जिसे सदन में बहुमत विपक्ष का भी सामना करना पड़ता है मजबूती के साथ। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सरकार अस्थिर रहेगी। हालांकि कुछ ऐसे राजनीति के पंडित हैं, वो मानते हैं कि शायद ऐसा हो, दो सबसे बड़े गठबंधन सहयोगी टीडीपी और जेडीयू का अपना हित भी इसमें है, वो भी भरोसे के लायक नहीं है। अगर जेडीयू गड़बड़ करती है तो बिहार में उसकी सरकार गिर जाएगी। हालांकि टीडीपी राज्य में सरकार चलाने के लिए बीजेपी पर निर्भर नहीं है, लेकिन टीडीपी को लोगों के सामने ये सिद्ध करना है कि हम वाकई विकास चाहते हैं और एक नया राज्य जिसकी अभी कोई राजधानी भी नहीं है उसे बनाने के लिए सब कुछ करेंगे। जिस अस्थिरता का डर बार बार जाहिर किया जा रहा है वो इतना वास्तविक नहीं है। देखिए, गठबंधन सरकार चलाने के लिए जो अनुभव चाहिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है नहीं है, कुछ ऐसे राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं। नरेंद्र मोदी एकाधिकार का शासन चलाते रहे हैं और एक तरफा फैसले लेते रहे हैं। देखना होगा कि गठबंधन सहयोगियों के साथ कितने सहज मोदी हो पाते हैं, क्योंकि जो दो सरकारें उन्होंने चलाई, चाहे वो 2014 की हम बात करें, 2019 की बात करें, यहाँ पर बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है, उन्हें फैसले लेने के लिए किसी से पूछने की सोचने की जरूरत नहीं है। जो फैसले लिए धरातल पर रख दिए और कहीं ना कहीं उस पर फैसला ले लिया, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। अब आपको जो आपके सहयोगी दल है, क्योंकि आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई है, गठबंधन की सरकार है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको सभी को साथ लेकर चलना है। पूर्ण बहुमत की सरकार और गठबंधन सरकार के चरित्र में फर्क होता है। बीजेपी के सामने सभी सहयोगियों को जगह देने की मजबूरी है। विभागों के बंटवारों से स्पष्ट होगा कि सरकार कितनी स्थिर है। पिछली सरकारों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी जैसे कई बड़े फैसले लिए थे। विश्लेषक कहते हैं कि अपनी मर्जी से सरकार चलाते रहे नरेंद्र मोदी खुद को गठबंधन की निर्भरता के हिसाब से ढाल पाएंगे या नहीं महत्वपूर्ण है। मोदी का गुजरात से लेकर दिल्ली तक का राजनीतिक सफर एकला चलो की नीति पर हमेशा से ही आधारित रहा है। इस सरकार में मनमर्जी नहीं चल पाएगी। अब सवाल यही है कि क्या मोदी अपनी मर्जी चलाए बिना सरकार चला पाएंगे। नई सरकार में पिछली सरकार के अधिकतर वरिष्ठ मंत्रियों और गठबंधन सहयोगियों को शामिल किया गया है। सरकार में मंत्रियों की संख्या 81 तक हो सकती है, यानी अभी आगे भी मंत्रिपरिषद में विस्तार की गुंजाइश है। होगी या नहीं होगी ये कहना भी जल्दबाजी होगा, लेकिन 72 मंत्रियों के साथ तो अभी पूरा एक मोदी तीसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है, लेकिन अभी संख्या और बढ़ सकती है, 10 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। पिछली सरकार में कुल 24 कैबिनेट मंत्री थे, अब ये संख्या 30 है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में अब अन्य राजनेताओं का अधिक दखल होगा। अब तक नरेंद्र मोदी की सरकार में बाकी मंत्री उनके कहने पर चलते थे, लेकिन विश्लेषक मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गठबंधन सहयोगियों के दखल के साथ भी तालमेल बिठाना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सशक्त नेता, सतत शासक, या ये कहें कि लोकतंत्र, खूबसूरत लोकतंत्र के कैसे सेवादार जो हमेशा से ही साथ लेकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि एक सशक्त नेता की रही है। वो अपनी नीतियों को लागू करवाने के लिए जाने जाते हैं। पीएम मोदी ने भारत के लोगों से कई बड़े वादे भी किए हैं। उन्होंने हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने, किसानों की आय दोगुनी करने जैसे बड़े वादे थे जो पिछली सरकारों में पूरे नहीं हो सके हैं। अब विश्लेषक ये कहते हैं कि पीएम मोदी की सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि अब उन्हें अपने वादों का हिसाब देना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अब ना संख्या बल है और ना नैतिक बल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं। उन्हें 400 पार का नारा दिया जो पूरा नहीं हो सका। सभी जानते हैं कि मोदी जी अच्छे वक्ता हैं। 2014-2019 में यही मोदी की सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन इस नई सरकार में यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होगी। अब मन से जो भी वो बोलेंगे उसे जमीनी वास्तविकता, जमीनी हकीकत जमीन पर उतारना पड़ेगा। कसौटी पर परखा जाएगा, वादों का हिसाब मांगा जाएगा, अपनी बातों पर खरा उतरना ही उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। अब देखना यह है कि सहयोगी दलों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे तालमेल बिठाते हैं और बड़े फैसले, जो वादे और दावे जनता से किए हैं, वो धरातल पर, उस कसौटी पर खरा उतर पाते हैं या नहीं। भारत टाइम में आज के लिए इतना ही। कल फिर लौटेंगे, किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।